टिकट से भांडेर का उपचुनाव लड़ने वाले फूल सिंह बरैया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले बरैया का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो विवादित बोल बोलते सुनाई दिए थे। क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है, अगर हम लोग कमजोर पड़ गए वो संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र बना देंगे और हम लोग मजबूत बन गए तो ये कह जरूर रहे हैं मुसलमानों को खदेड़ देंगे, हमें नहीं खदेड़ देंगे अगर हम लोग मजबूती से आगे तो ये मुसलमानों को नहीं खदेड़ पाएंगे क्योंकि मुसलमान हमारा भाई है। DNA टेस्ट करा लो, मुसलमान हमारा ही एक माता पिता की संतान निकलेंगे। हालांकि बाद में ये दलील भी आई कि बरैया का ये वीडियो पुराना है। इस बीच उनका एक वीडियो और वायरल हुआ जिसमें वो सवर्ण महिलाओं पर विवादित बोल बोलते दिखे। इस वीडियो को भी पुराना वीडियो ही बताया गया जिससे कांग्रेस ने ये कहते हुए किनारा कर दिया कि वो BSP के समय का वीडियो है। पर इतने भर से बरैया की मुश्किलें दूर नहीं हुई है, उन पर मामला दर्ज हो चुका है। सिर्फ बरैया पर ही नहीं, पूर्व CM कमलनाथ और 2 दर्जन कांग्रेस नेताओं पर भी मामला दर्ज हो चुका है। दरअसल ये मामला दर्ज हुआ है भांडेर में हुई चुनावी सभा को लेकर जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शिकायत ये है कि COVID-19 से जुड़े नियम और हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। पर इसमें भी बरैया की मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि सभा की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग चुनाव आयोग भेजी जा सकती है जिसमें बिना मास्क लगाए हजारों लोगों की भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी साफ नजर आ रही है। मुश्किल इतने पर ही खत्म नहीं होती। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने भी बरैया के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। ये सभी संगठन बरैया के महिलाओं पर दिए पुराने बयानों से नाराज हैं। भारत सरकार के द्वारा जो नई गाइडलाइन कोरोना के संबंध में आई है उसमें परिवर्तन हुआ है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में जो चुनावी सभाएं होंगी प्रदेश के अंदर, उन सभाओं में जो 100 व्यक्तियों की सीमा निश्चित की गई थी वो अब समाप्त कर दी गई है। लेकिन जो आवश्यकताएं हैं, जो प्रतिबंध हैं, वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग, वो सारी की सारी पूर्ववत पूर्णतः जारी रहेगी। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। एक ही लिस्ट है जिसमें बीजेपी ने सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सूची आने से पहले अटकलें थी कि बीजेपी कुछ सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के नाम बदल सकती है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सर्वे में उनके हारने की आशंका जताई गई है, जिसे देखते हुए बीजेपी कुछ सिंधिया समर्थकों का टिकट काटने पर विचार कर रही थी। पर जब लिस्ट आई तो उसने सबको चौंका दिया। तमाम राजनीतिक सर्वों को दरकिनार कर बीजेपी ने सभी सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया है, यानी 22 सीटों पर वही चेहरे हैं जिन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी। पहले माना जा रहा था कि रणवीर जाटव, कमलेश जाटव और कुछ अन्य उम्मीदवारों के टिकट काटे जा सकते हैं, पर बीजेपी वादे की पक्की निकली। अब गेंद सिंधिया समर्थकों के पाले में है जिन्हें जीत कर अपने दम पर विधानसभा में वापसी करनी है। सिंधिया समर्थकों की जीत पर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। अगर ये कहें कि कांग्रेस नेता और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे पीपी शर्मा ने सिंधिया समर्थकों के चुनावी नतीजे की भविष्यवाणी ही कर दी है तो गलत नहीं होगा। पीपी शर्मा का दावा है कि इस चुनाव में अधिकांश सिंधिया समर्थकों की जमानत ही जब्त हो जाएगी। 25 के 25 जो हैं इनका फीडबैक ठीक नहीं आने वाला है क्योंकि एक भी 25 में जीतने वाला नहीं है और कईयों की जमानत भी जब्त होगी,
तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है 25 के 25 बदले, क्योंकि इनकी हर क्षेत्र में बुरी हालत है। और जो लोगों में भावना आ गई कि लोगों ने पैसे लेके इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। जो 5 साल के लिए चुने गए थे उनको 15 महीने में इस्तीफा देने की क्या आवश्यकता पड़ी? और अगर कोई वो थी तो वहां लड़ते, विधायक रह के विधानसभा में लड़ते, सड़कों पे लड़ते, पर उन्होंने अपने क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनसे भी गद्दारी की। उनका जो हक था मतदाताओं का, उसको उन्होंने मिसयूज किया है। क्योंकि अगर 5 साल कमलनाथ जी की सरकार रहती और काम ठीक नहीं होते, तो जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को जनता ने बदला था, ये जनता को अधिकार था, ये इन 25 विधायकों को नहीं था। इसलिए हमारा नारा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। और ये पूरे के पूरे चुनाव क्षेत्रों में पूरी तरह से गूंज रहा है और लोगों के दिलों में हो रहा है कि हमारा जो अधिकार था सरकार बनाने या बिगाड़ने का, वो इन 25 लोगों ने उसका मिसयूज किया है। इसलिए एक भी नहीं जीतेगा इन सबकी जमानत। राज कैबिनेट में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्रियों के लिए चुनाव प्रचार दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। हालात ये है कि अधिकांश जगह चुनाव प्रचार के लिए जाने से पहले ही उन्हें चलता कर दिया जाता है। ये नजारा दिखा इमरती देवी की विधानसभा सीट डबरा में, जहां मंत्री भरत सिंह कुशवाहा इमरती के समर्थन में चुनाव प्रचार करने निकले थे, पर लोगों ने नारेबाजी कर करके चलता कर दिया। मेरा भी नाम सुन सही है, तुम्हारे वजह से ही है, तो मेरी बात रखो। मेरी बात ऐसा ही कुछ हाल हरदीप सिंह डंग का भी हुआ, जो गांव में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, पर बंजारी गांव के पास ही लोगों ने उन्हें रोका और जमकर कमलनाथ जिंदाबाद के नाम के नारे लगाए। ये नज़ारे देखकर साफ लगता है कि इन नेताओं के लिए प्रचार कर पाना अब बहुत आसान नहीं रह गया है। वह मुश्किल 24 घंटे हुए होंगे जब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए बिसाहूलाल सिंह का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बिसाहू अपने क्षेत्र में मतदाताओं को 100-100 रुपए के नोट बांटते देखे गए। मामला चुनाव आयोग तक भी पहुँच चुका है। ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के एक मंत्री ने इस गलती को दोहरा दिया है। ये समर्थक है ब्रिजेंद्र यादव, जो मुंगावली से बीजेपी प्रत्याशी है। सिंधिया कोटे से शिवराज कैबिनेट में शामिल हुए, वो भी बिना चुनाव जीते। अब जीतने के लिए जी जान लगा रहे हैं और दांव पेच भी। मतदाताओं को रिझाने के लिए मंत्री जी साड़ियां बांट रहे हैं। शुभम लिया जल्दी सत्यम। और ये वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने ट्विटर पर लोगों को ये याद दिला दिया है कि दल बदलुओं का काम है, जिन पर ये आरोप भी लगाया कि 35 करोड़ लेकर दल बदलने वाले मंत्री अब जीत के लिए साड़ियां बांट रहे हैं। ट्वीट के आखिर में तंज भी कसा कि ये बिकाऊ लोग नेता नहीं है, ये लोकतंत्र के स्थायी कलंक हैं।